हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज डे फोर में हम लोगों का टास्क रहेगा ये जो आपको पारिभाषिक शब्दावलियाँ दिख रही हैं, प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली। यहाँ पे ये ट्रांसलेशन पूछते हैं, अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द देते हैं और हिंदी से अंग्रेजी 5 शब्द देते हैं। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, तो ये 10 नंबर का हिंदी ट्रांसलेशन होता है और 10 नंबर का इंग्लिश ट्रांसलेशन, टोटल 20 नंबर हो जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में जो इस एग्ज़ाम में अभी तक पूछे गए उनको देख रहे हैं, इस पर एक अलग से भी वीडियो कर लेंगे, 100-150 शब्द और यहाँ पे प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियाँ देख लेंगे हम लोग, ताकि पूरा कवर हो जाए और कोई रिस्क ना रहे। वैसे भी ये बहुत कठिन नहीं होते हैं, आसान होते हैं, बस यहाँ पे ध्यान ये दिया जाता है कि जो प्रशासनिक टर्म है आपको उसी को लिखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी है सचिवालय में जाके। वहाँ पर करना क्या है, ये नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी है, लेटर लिखने हैं, समीक्षा अधिकारी का एक काम नोटिंग ड्राफ्टिंग भी होता है, और इन सब पत्रों को लिखने के लिए ये शब्दावलियाँ बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए इनको सिलेबस में डाले हुए हैं। यही काम यहाँ पे हाई कोर्ट आरओ का होता है, यहाँ पे भी नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे इंग्लिश में करनी होती है और सचिवालय में हिंदी में करनी होती है। खैर, अलग अलग अनुभाग में अलग अलग सेक्शन में अलग तरीके के काम होते हैं, चाहे सचिवालय की बात हो चाहे हाई कोर्ट की बात हो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आइए, यहाँ पर इंग्लिश शब्दों को हिंदी रूप लिखिए, और ये हर एक शब्द 2 नंबर का होता है। पहला है मिनिस्ट्रियल। मिनिस्ट्रियल का मतलब होता है मंत्री संबंधी, और इनको बिल्कुल बर्तनी के साथ शुद्ध लिखना। अगर यहाँ पे बर्तनी भी अगर आपने गलती कर दी तो वो 2 नंबर देगा नहीं, पूरा काट देगा, गणित की तरह है मंत्री संबंधी, या फिर इसको आप राजकीय भी लिख सकते हैं, राजकीय। ठीक है, दूसरा शब्द है इंडेमनिटी बॉन्ड। इस बॉन्ड का मतलब होता है क्षतिपूर्ति का बंधन, हो जाएगा बेनिफिशरी, आसान है, बेनिफिशरी यानी लाभार्थी। इसको और शब्द कोई लिख सकते हैं, यही करेक्ट शब्द है पावर ऑफ अटॉर्नी। इन सब शब्दों की आपको लेटर में ज़रूरत पड़ने वाली है। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब होता है शक्ति का हस्तांतरण, शक्ति का हस्तांतरण। और रीइंबर्समेंट का क्या हो जाएगा, वापस करना, अदा करना। ठीक है, वैसे बैंकिंग वाला शब्द है, वाणिज्यिक शब्द है, इतना लिख देंगे 10 में 10 नंबर मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर अंग्रेजी रूप लिख लीजिए। यहाँ पर पुनर्वियोग लिखा है, आप पॉलिटी में विनियोग विधेयक पढ़ते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल पढ़ते हैं, उसी से बना लीजिए इसको। पुनर्वियोग का अंग्रेजी हो जाएगा रीअप्रोप्रिएशन। स्थानापन, रिप्लेस करना होता है, सब्स्टिट्यूट लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट, इंग्लिश सही लिखी है ना। तीसरा है आचार संहिता, ये तो आसान है, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा। चौथा पढ़िए अधिकरण, ये भी आसान है, क्या होता है अधिकरण यानी रिक्विजिशन, रिक्विजिशन। और ये सब शब्द बाद में भी आपको रिपीटेशन होते हुए दिखेंगे। पांचवा शब्द है आकस्मिक व्यय। आकस्मिक निधि पढ़ते हैं, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, CFI, इसका इंग्लिश होता है कंटिंजेंसीज, हो जाएगा। एडवर्स की हिंदी बताइए जल्दी, ये प्रतिकूल हो जाएगा। सेंसस, ये तो आसान है, यहाँ पे आसान दिख रहे हैं, सेंसस यानी जनगणना हो गया, प्रिफ्रेंस यानी प्राथमिकता हो गया। लिटरेसी, ये साक्षरता हो गया। और लास्ट बताइए अप टू डेट यानी अद्यतन, ये अद्यतन हो जाएगा। अनुदेशक की एक पोस्ट आती है, तो अनुदेश क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए। एक मुश्त यानी लमसम, जो हम लोग लमसम बोलते रहते हैं, रात्रि भोजन यानी डिनर, डिनर का एक और शब्द है सपर बोलते इसे, ठीक है सपर। निविदा क्या होता है, ये तो टेंडर होता है, टेंडर TENDER। और रियायत आसान है, ये भी कंसेशन, कंसेशन हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इनको। नेक्स्ट पेपर में क्या पूछा गया था, पहला शब्द है सब्सटेंटिव, ये आपको बहुत यूज करना पड़ेगा लेटर में, मूल या वास्तविक, इसकी हिंदी मूल या वास्तविक होती है। सुपरिंटेंडेंस, ये तो आसान है, इसका क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, सुपरिंटेंडेंस क्या हो जाएगा, अधीक्षण। इम्प्रोवाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आपके काम में कोई त्रुटि नहीं होना, यानी कोई गलती नहीं होना, तो यहाँ पे हो जाएगा त्रुटिहीन रचना, ठीक है। इंसिडेंटल, ये तो आसान है, आकस्मिक हो जाएगा। चलिए और लास्ट क्या है, डुप्लीकेटिंग। डुप्लीकेट क्या होता है, फोटोकॉपी यानी कॉपी, प्रतिलिपि, तो इसको आप लिखिए प्रतिलिपि। इस शब्द को आपको बार बार लेटर में लिखना पड़ेगा, चाहे वो शासकीय हो, चाहे वो अर्धशासकीय हो, या फिर सर्कुलर हो, कुछ भी हो।
क्योंकि यहाँ पे डुप्लीकेटिंग लिखा है तो आपको प्रतिलिपिकरण लिखना पड़ेगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अंग्रेजी कर लीजिए। अनुस्मारक, अनुस्मारक तो सिलेबस में भी है। अनुस्मारक यानी रिमाइंडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर। अपमिश्रण मतलब एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन हो जाएगा। चलिए कर आरोपण, ये टैक्सेशन होता है तो ये तो आसान है, ये टैक्सेशन हो गया। अनुसचिवीय, सचिव यानी सेक्रेटरी, सचिवीय यानी सेक्रेटेरियल, और यहाँ पे अनु लिखा है पहले तो सब और लगा दीजिए तो सब सेक्रेटेरियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट है पुनर्विनियोग। देखिए रिपीट हुआ ना, चलिए रीअप्रोप्रिएशन। एप्रोगेट का मतलब होता है रिपील करना, निरस्त करना, तो एप्रोगेशन क्या हो जाएगा, निरस्त्रीकरण। मैंने यहाँ पे निरस्त्रीकरण लिख दिया। चार्जशीट यानी चार्ज यानी अभियोग, तो चार्जशीट क्या हो जाएगा, अभियोग पत्र, अभियोग पत्र। ग्रेडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब सेक्रेटेरिएट में चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आर ओ होके जाएंगे सिलेक्टेड, तो वहाँ पे कुछ लोगों का प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, कुछ लोगों का बाद में होगा, वो ग्रेडेशन से होता है। उनका आर ओ या आर ओ एग्ज़ाम में रैंक अच्छी होगी, मार्क्स अच्छे होंगे, इसलिए उनका नाम लिस्ट में ऊपर होगा, तो उनका प्रमोशन भी पहले होगा। एक्सप्लोइटेशन आसान है, शोषण। और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये संरचना हो जाएगा। ठीक, आइए यहाँ पे इंग्लिश बताइए। अनुबंध, अनुबंध यानी एग्रीमेंट। दूसरा है ऋणदाता, ऋणदाता क्या होता है, जो क्रेडिट करता है यानी क्रेडिटर। दूसरा है, तीसरा है निवेश। यहाँ पे तो आसान आसान पूछा है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट। रोकड़िया, बैंक में देख रहे हैं ना कैशियर को, कैशियर की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, स्पेलिंग गलत हुई 0 नंबर मिल जाएगा। अभिकर्ता, एजेंट। ठीक है, आइए फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, ये प्रशासनिक हो गया। दूसरा क्या लिखा, सिविल डिफेंस, सिविल डिफेंस क्या हो जाएगा, सिविल यानी नागरिक और डिफेंस यानी सुरक्षा, तो ये नागरिक सुरक्षा हो गया। नेक्स्ट है कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं, संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध। एटिकेट, ये तो बहुत बेसिक सा शब्द है ना, शिष्टाचार, एटिकेट यानी शिष्टाचार। लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग ध्यान देना, शिष्टाचार का अंग्रेजी पूछ लेगा तो एटिकेट लिखना पड़ेगा। मैनर लिख के भी काम चलाया जा सकता, लेकिन एटिकेट लिखेंगे तो 2 में 2 दे देगा। एटिकेट आपको पता है, स्पेलिंग नहीं पता, और आपको मैनर भी पता है, तो मैनर ही लिखना, ठीक है। अगर एटिकेट की स्पेलिंग गलत लिख दी तो 0 मिल जाएगा, उससे बेटर है कि मैनर लिख के 1 नंबर 1.5 नंबर ले लें। लास्ट है ग्रांट एंड एड, यानी तो अनुदान होता है, अनुदान। चलिए यहाँ पर देखिए, ग्राहक ये कस्टमर हो जाएगा, कस्टमर। परिवीक्षाधीन, बताएंगे क्या है, प्रोबेशनरी बोला जाता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर पढ़ते हैं ना, प्रोबेशनरी। प्राधिकरण, ये तो अथॉरिटी हो गया, अथॉरिटी। स्पेलिंग सबकी सही लिखना है, ठीक है, खासतौर से जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपरिहार, इसकी स्पेलिंग होती है इंडिस्पेंसिबल, तो यहाँ पे बर्तनी का ध्यान देना, स्पेलिंग का ध्यान देना। ठीक है, आगे चलें, आइए। परमिट यानी, यहाँ पे तो सब आसान आसान दिख रहा है। परमिशन क्या होता, अनुज्ञा, तो परमिट क्या हो जाएगा, अनुज्ञा पत्र। सेल यानी, ये तो कक्ष है, कक्ष हो गया, या फिर गोदाम लिख लीजिए, गोदाम, कक्ष ज़्यादा अच्छा शब्द है। रैंक यानी पद, ये पद हो गया। ड्यू डेट, नियत तारीख, नियत तारीख। लास्ट है सरप्लस, सरप्लस यानी आधिक्य। 5 नंबर हो गया, 10 नंबर हो गया, चलिए 10 नंबर और कर लीजिए जल्दी से। परियोजना यानी प्रोजेक्ट, प्रक्रिया यानी प्रोसेस। छूट देना
एग्जेम्प्ट करना, एग्जेम्प्ट EXEMPT एग्जेम्प्ट, भर्ती करना टू एडमिट, और लास्ट है गुणवत्ता। ये तो आसान है, क्वालिटी। ठीक है भैया, तो ये इतने सब थे, बट इतने से तो काम नहीं चलेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग एक वीडियो सेपरेट कर लेंगे, उसमें 100-150 शब्द और देख लेंगे, जितने भी ये एडमिन वाली जो टर्मिनोलॉजी हैं और कमर्शियल पर्पज़ वाली जो टर्मिनोलॉजी हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।